भाई सुनो, अभी कॉम्पिटिशन के लिए सिर्फ 3 दिन बचा है। सब टेक्निक से याद रख के प्रैक्टिस करना, ओके? 2 दिन से सिद्धार्थ नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? सर वो नहीं आएगा। क्यों? उसको घर में पढ़ाई चुड़ाकर काम पे लगाया है। अरे तुमको कितनी बार बोला है सब छोड़ो, ये पढ़ाई ये दौड़ाई ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हमें रोजी रोटी तो कमाना ही है, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये सच है सिद्धार्थ, आप लोग जिंदा रहना है तो कमाना ही पड़ता है। वो कौन सा भी रास्ता रहने दो, चाहे पढ़ाई का हो, मेहनत का हो, या खुद को और बच्चों को गुलामी की पट्टी में बांध के क्यों ना हो। सर। हाँ बाबू, सुनने में शर्मिंदगी हो रही है। उधर पराक्रम दिवस के खातिर होने वाले स्पर्धाओं के लिए इन लोगों को उत्तेजन देने के बजाय आप क्यों इन बच्चों का आजादी छीन के उनको सपनों को दबा रहे हो? यदि आपका गरीबी ही आपका डर है तो छोड़ो, एक बार छोड़ के देखो। जैसे नेताजी ने माना था, युद्ध से ही शांति मिलता है, चाहे वो मन का हो, दिमाग का हो, या तलवार से ही क्यों ना हो। आजादी हर व्यक्ति का हक है, हक से ही स्वतंत्र मिलता है और हमारा देश बढ़ता है। बाबू आपको पता है ये बंदा 100 मीटर रेस में रोशनी की तरह दौड़ता है। इसकी सुर आपने सुना है, इतनी अच्छी गाती है। अगर हम इन लोगों के साथ थोड़ा सा कदम मिलाए तो ऑस्कर अवार्ड और ओलंपिक में भारत का पताका उड़ा सकता। जैसे नेताजी का सपना था, ये शक्तिशाली युवाओं की, औरत पुरुष का समानता की, हर जात धर्म मिला के जब हम आत्मनिर्भर से जो भी बनाते हैं तब भारत का नाम पूरा विश्व में अमर होगा। कदम 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 बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। जय हिंद।